मोनिका जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ओर से आपको प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका भापती हांसदा, ग्राम अलीनगर दूध उत्पादक सहयोग समिति पंचायत सतकुदरिया जिला पूर्णिया से आई हूँ और मैं कोसी डेयरी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ। मोनिका जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे भैया भाभी हैं, उनके तीन बच्चे हैं, दादी है और सास ससुर हैं। बड़ा विशाल परिवार है। यस सर। पशुपालन के अलावा और भी कोई काम करती हैं या फिर इससे ही गुजारा चल जाता है? अभी तो सर इससे ही गुजारा चल जाता है, मतलब ग्रेजुएट किए हैं लेकिन अभी कोई रोजगार नहीं मिला है, तो अभी पशुपालक से ही और कृषि है, मतलब किसान है, क्या खेती कर रहे हैं। किस विषय में ग्रेजुएशन किया? हिस्ट्री में। अच्छा, कहाँ पर किए? मनिहारी कॉलेज से किया सर। अच्छा, अभी आपके पास कितनी गाय है? दो गाय हैं। अच्छा, और कितने दूध की बिक्री दिन भर में हो जाती है? प्रतिदिन 10 लीटर। 10 लीटर? अच्छा जी। आप पहले से ही सहकारी समिति से जुड़ी थी या फिर कहीं और दूध बेचती थी? इसे आपको कोई नहीं लाभ सर, हुआ क्या ये नई व्यवस्था से? पहले से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, यानी जब से आपके पास गाय है या जब से आप ससुराल आई ये काम पहले से ही चल रहा था? ससुराल आने से पहले यहाँ पर कुछ काम नहीं था। यहाँ अच्छा। मेरे इंटर करके मेरी शादी हुई है और मैं ससुराल से ही ग्रेजुएशन की हूँ और यहाँ पर पहले मतलब मैं एसटी से हूँ, तो यहाँ पर शराब मतलब बनता था हमारे समाज में। तो मेरी शादी हुई, इसके बाद जब शराब बंदी स्टार्ट हुई तो मैंने लेडीज लोगों को जागरूक किया कि शराब नहीं बनाना है। मैंने स्वयं सहायता समूह को भी प्रेरित किया कि उसमें 10 रुपया सप्ताह जमा करना है, उससे भी हमें लाभ हो सकता है। और फिर मैंने जीविका में ही VRP में काम किया किसान लोगों के साथ ही, जिससे कि हमारी आय में बढ़ोतरी हो सके और अभी उससे भी मतलब मैं आगे आना चाहती हूँ। और मोनिका जी, अपने सबसे पहले तो मैं आपके पति देव को, आपके ससुर साहब को, आपकी सास को यहाँ से विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सर। इंटर के बाद शादी करके ससुराल आई और आपकी पढ़ाई आपने पूरी की। देखिए, ससुराल में आपको इस प्रकार से सम्मान मिलना, इतना प्यार मिलना और आपको पढ़ाई के लिए सुविधा देना, और जैसा आपने कहा कि आप एससी क्लास से हैं, ये जो जागरूकता पहुंची है, मैं आपके परिवार को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आपके लिए इतने सारे अवसर खोल दिए। थैंक यू सर। मेरे जैसे और भी महिला हैं जो ससुराल में आकर के अपना पढ़ाई छोड़ दी है, उसको भी मेरे मतलब हमें देख करके उसको भी प्रोत्साहन होगा कि हम भी आगे आए। वाह, चलिए, आपने तो इस काम के अलावा भी न सिर्फ बिहार की बेटियों को प्रेरणा दी, देश की बेटियों को प्रेरणा दी है। यस सर। देखिए, मोनिका और इन जैसी तमाम बहनें आज स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए तेजी से आगे आ रही हैं। सरकार की भी हर संभव ये कोशिश है कि बहनों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, और इसके लिए स्वयं सहायता समूह को जब और ज्यादा मदद की जा रही है। मुझे विश्वास है कि पशुपालन में तो वैसे भी परंपरागत रूप से ही हमारे यहाँ पशुपालन का काम हमारी माताओं बहनों ने ही संभाला है, लेकिन अगर उनको आधुनिक तकनीक का उनको सहारा मिल जाए, उनको ज्ञान भी मिल जाए और व्यवस्था भी मिल जाए और पशुओं की अच्छी नस्लें अगर मिलना शुरू हो जाए, उनके स्वास्थ्य की जांच भी आसानी से संभव हो जाए, और जिसकी दिशा में बिहार सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, गिरिराज जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी अनेक नए नए प्रकल्प चला रही है, मुझे विश्वास है इन सारी चीजों का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको, और आप जैसे पशुपालक निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था में एक नई ताकत बनेंगे। लेकिन आप मोनिका जी पढ़ी लिखी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा
अभी आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज चैनल ने गुजरात की बनास डेयरी की 10 बहनों का बड़ा परिचय दिया था। वो गांव की किसान बहनें थी, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो 1-1 करोड़ रुपयों का दूध का कारोबार करती है। यानी अपने आप में सिर्फ पशुपालन और दूध का काम, अगर आप वेबसाइट पर जाओगी बनास डेयरी की या अमूल डेयरी की या साबर डेयरी की, तो आपको ऐसी कई बहनों ने कैसे पराक्रम किए हैं आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो मैं जरूर, मोनिका जी, आपने जैसे पढ़ाई में रुचि ली है, अब आप वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के इस काम को आगे बढ़ाइए। आपने जो ग्रेजुएशन किया है, इसलिए और नया कुछ खोजने में समय बर्बाद मत कीजिए। आपके पास जो ताकत है, उस ताकत से आप पूरे क्षेत्र का, पशुपालन का कार्य क्षेत्र ही बदल सकती है। और बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़िए, आपके क्षेत्र के सारे किसान पशुपालक आपको जीवन भर आशीर्वाद देते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप जैसे पशुपालकों को और आपके कारण अन्य लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर।